हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक फ्लोर लैम्प की। अगर आप भी चाहते हो एक फ्लोर लैम्प लेना तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो फ्लोर लैम्प बहुत ही एक्सपेंसिव आता है। बट दोस्तों, आज का हमारा जो प्रोडक्ट होने वाला है वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है और इसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है। दोस्तों, ये जो फ्लोर लैम्प है आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, चाहे लिविंग रूम, बेडरूम, या आप चाहो तो इसे सेटअप पर भी रख सकते हो। और इसमें आपको अलग अलग लाइट के भी ऑप्शंस मिलते हैं। और बात करें दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की तो वो भी बहुत ही कमाल की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है क्रॉसकट ब्रांड की तरफ से आने वाला ये फ्लोर लैम्प, जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है। और यहाँ पे आप बॉक्स में क्रॉसकट की ब्रांडिंग देख सकते हो। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस बॉक्स के अंदर आपको और भी बॉक्सेस मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ये है दोस्तों यूज़र मैनुअल, जहाँ पर आपको कैसे असेंबल करना है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला बॉक्स आता है मेटल पाइप का। इसके अंदर दोस्तों मेटल पाइप हैं और एक बॉक्स आपको मिलता है वायर फिटिंग का, जिसके अंदर दोस्तों वायर एंड होल्डर है। उसके अलावा अगर बात करें थर्ड बॉक्स की तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स है एलईडी बल्ब एंड प्लास्टिक स्क्रू का, तो इसे भी रखते हैं साइड में। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको तीन वुडन प्लेट मिलती है। ये जो वुडन प्लेट्स हैं दोस्तों ये शेल्फ हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको ये तीन अलग अलग साइज में मिलती है, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। इसको भी रखते हैं दोस्तों साइड में। और ये जो तीनों शेल्फ हैं, इसके अलावा आपको इस बॉक्स के अंदर एक और बहुत बड़ा सा बॉक्स देखने को मिलेगा जो ये है। और इस बॉक्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करोगे आपको दोस्तों मेन शेड मिलेगा इस पूरे फ्लोर लैम्प का। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोस्तों कलर मैंने ब्राउन जूट परचेस किया था। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, कॉटन वाइट, बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं अब आपको ये प्लेट्स दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज़ की प्लेट है। ये जो दोस्तों वुडन प्लेट है इसके तीनों साइड पे आप देखोगे ये होल्डर लगे हैं जिसपे मेटल पाइप आपको फिक्स करनी है। और ऐसे ही दोस्तों आपको दो और साइज़ की वुडन प्लेट मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो दोस्तों वुडन प्लेट्स है ये बहुत ही स्ट्रांग है एंड ये मुझे कहीं से भी वीक नहीं लग रही। तो इस तरीके से आपको ये तीन अलग अलग साइज़ में वुडन प्लेट्स देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी साइज़ की प्लेट है और इसके जो होल्डर्स हैं आपको कुछ इस तरीके से दोस्तों बाहर की तरफ टर्न कर देने हैं, क्योंकि इसी होल्डर पे दोस्तों आपकी जो मेटल पाइप है वो फिक्स होगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सही कर लिया है। अब यहाँ पे जो तीनों प्लेट्स हैं इसको रखते हैं दोस्तों साइड में। आप देखोगे कुछ इस तरीके से मैंने तीनों ही प्लेट्स को अनबॉक्स कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला बॉक्स है हमारा एलईडी बल्ब का। तो यहाँ पे आपको दोस्तों एक 9 वॉट का एलईडी बल्ब देखने को मिलता है, जो देखने में कुछ इस तरीके का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो दोस्तों 9 वॉट का बल्ब है, इसी के साथ आपको इस बॉक्स में ये तीन स्क्रू मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे नेक्स्ट बॉक्स को, वायर फिटिंग का। ये जो वायर फिटिंग का बॉक्स है इसके अंदर दोस्तों आपको वायर मिलता है और मेन बल्ब का होल्डर मिलता है जिस पे आप बल्ब को अटैच करोगे। और इसमें दोस्तों एक वायर में ही स्विच मिलता है ऑन ऑफ का। तो ये पूरा सेटअप है वायर फिटिंग का। ये ऑन ऑफ का स्विच आप देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का बल्ब होल्डर मिलेगा और इसी पे आपको मेटल पाइप फिक्स करनी है। तो यहाँ पे आपको एक रिंग मिलेगी जिस पे दोस्तों आपको फाइनली ये शेड को अटैच करना है। वो सब कुछ मैं भी आपको ट्यूटोरियल में शो कर दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको पहले बल्ब को ग्लो करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों येलोइश कलर का बल्ब है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों इसकी लाइटनिंग मुझे बहुत ही सही लगी। ये हमारा लास्ट बॉक्स है दोस्तों मेटल पाइप का। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम लोग को दोस्तों टोटल 9 मेटल पाइप मिलती है। ईच फ्लोर के लिए आपको 3 पाइप मिलती है। टोटल दोस्तों यहाँ पे 3 शेल्फ हैं, तो यहाँ पे 9 पाइप मिलती है। तो ये जो दोस्तों मेटल रॉड्स हैं ये बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारी रॉड्स, और इसकी जो पॉलिथीन है उसे भी रिमूव कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा फाइनल ब्राउन जूट शेड है, इसे भी दोस्तों हम लोग जल्दी से अनरैप कर लेते हैं। यहाँ पे पॉलिथीन की हेल्प से पूरा रैप किया गया है। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे इसका टेक्स्चर है। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसका कलर ब्राउन जूट परचेज किया था। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और अब मैं आपको बता देता हूँ असेंबल करने का पूरा तरीका। दोस्तों इसे आपको टॉप टू बॉटम असेंबल करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बल्ब होल्डर को ले लिया है और इसमें दोस्तों जो आपको 3 स्क्रू दिख रहे हैं वहीं पे आपको ये मेटल रॉड को एडजस्ट करना है। इस मेटल रॉड में भी आपको 2 अलग एंड मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इस स्क्रू पे मेटल रॉड
रॉड को फिक्स करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको तीन रॉड को फिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत ईजिली दोस्तों टाइट हो गया है। और ये लास्ट रॉड जो हमारी बची है इसे भी आप कुछ इस तरीके से फिक्स कर लोगे। जब आपके बल्ब होल्डर में तीन रॉड फिक्स हो जाएँ उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे स्मॉल साइज़ की जो वुडन प्लेट है उसे दोस्तों लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये स्मॉल साइज़ की वुडन प्लेट और इसे आपको उल्टा करना है, और ये जो आपकी वुडन प्लेट है दोस्तों उसे सिंपली इस तीनों होल पे एडजस्ट कर देना है। याद रखिएगा दोस्तों वुडन प्लेट्स भी आपको उल्टी लगानी है क्योंकि हम लोग टॉप टू बॉटम इसे असेंबल कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप देखोगे मैंने तीनों रॉड को फिक्स कर लिया है। अब इस वुडन प्लेट के ऊपर भी अगेन आपको सेम प्रोसेस करना है और ये जो मेटल रॉड है इसे फिक्स करना है। बेसिकली दोस्तों ये जो तीन रॉड हैं उन तीनों के बीच में आपको शेल्फ को एडजस्ट करते जाना है। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से मैंने एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब इन तीन रॉड के नीचे आपको मीडियम साइज़ की वुडन प्लेट को लगा लेना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने मीडियम साइज़ की वुडन प्लेट को ले लिया है। अगेन आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। ये जो लास्ट दोस्तों मैंने तीनों रॉड लगा रहा हूँ इसको लगाने के बाद आपको फाइनली लार्ज वाली वुडन प्लेट को लगा देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से मैंने तीनों ही रॉड को लगा दिया है। अब फाइनली हमारी ये जो वुडन प्लेट है लार्ज वाली इसे सेटअप करना है, और इसके लास्ट में जो प्लास्टिक के स्क्रू दिए गए हैं उसे आपको टाइटन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे इसको टाइट कर रहा हूँ, और जब आप ये टाइट करोगे तो ये तीनों प्लेट दोस्तों लॉक हो जाएंगी और ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा जो पूरा ट्यूटोरियल था असेंबल का वो कम्प्लीट हो गया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली ये पूरे दोस्तों स्ट्रक्चर पे जो हमारा शेड है उसे फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरे तरीके से इसे असेंबल कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का प्रोसेस कि कैसे आपको शेड को लगाना है। तो ये है हमारा शेड, और इस शेड को आपको सिंपली उस बल्ब होल्डर के ऊपर फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ टॉप एंगल से भी दिखा देता हूँ। ये जो दोस्तों शेड है इसको आपको कुछ इस तरीके से रखना है जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ही आप इसे दोस्तों रख दोगे उसके बाद इस प्लास्टिक की रिंग से आपको इसे टाइट करना है, तब ये जो हमारा शेड है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे मैं इसे ये लॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपको ये पूरे तरीके से टाइट कर लेना है। जब आप टाइट कर लोगे तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। अब हमारा जो बल्ब है सिंपली आप इस बल्ब को भी होल्डर में लगा सकते हो, और अब यहाँ पे हमारा फाइनली दोस्तों पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और कुछ इस तरीके से इसकी लाइट ग्लो हो रही है। तो अब मैं आपको साइड एंगल से भी दिखा देता हूँ कि इस लैम्प का पूरा व्यू कैसा है, किस तरीके का ये ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों ये मैंने पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कर लिया है और कुछ इस तरीके से इसका व्यू है। और जब आप लाइट को ग्लो करोगे तो आपके रूम में एक एस्थेटिक लुक आएगा। इस पर आप कुछ भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो पूरा फ्लोर लैंप है वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करें दोस्तों अगर प्राइसिंग की, तो मैंने इसे अमेजोन से 1800 रुपीज़ में परचेस किया है, और 1800 के अकॉर्डिंग मुझे फ्लोर लैम्प बहुत ही कमाल का लगा। और इसका दोस्तों बिल्ड क्वालिटी परफॉर्मेंस सब कुछ बेस्ट है, मेरे तरफ से थम्स अप है। अगर आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसे मैंने आपको बताया इस फ्लोर लैम्प के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।